11 सितंबर को जिले भर सहित सिविल न्यायालय बुधनी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बैंक, बिजली, इंश्योरेंस के अलावा स्थानीय निकाय रहटी बुधनी और शाहगंज के संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य मामलों की सुनवाई की गई। स्थानीय निकायों के विभिन्न करों से संबंधित 353 मामले लोक अदालत में रखे गए थे, लेकिन इनमें से कुल 41 मामलों का ही निराकरण हो सका। दरअसल इस मामले में यदि अधिकारियों द्वारा दिलचस्पी दिखाई जाती तो अच्छी खासी राजस्व की वसूली हो सकती थी। इस मामले में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा भी गया है कि स्थानीय स्तर पर शासन की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी अधिकारीगण नेशनल लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और न ही किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान किया गया। नेशनल लोक अदालत में अभिभाषक संघ अध्यक्ष गिरीश कुमार यादव, सचिव मनीष परसाई, अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील दुबे, बीआर अहिरवार, सत्येंद्र जाट, भागीरथ मीना, कैलाश मालवीय, मनीष शर्मा, शशांक तिवारी, कपिल अहिरवार, राजू पंसारी, चंद्र किशोर यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसके तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्री आर एन चंद साहब के दिशा निर्देश अनुसार जैसी बुधनी में भी इसका आयोजन किया गया था, जिसमें नियमित न्यायिक प्रकरणों के साथ साथ नगर पालिका के प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण एवं अन्य लिटिगेशन प्रकरण का भी निराकरण किया गया है, जिसमें लगभग 20 लाख रुपये राशि 130 के केसेस में वसूल की गई है। इसी प्रकार लिटिगेशन के एक्सप्रेस प्रकरणों में लगभग 20 लाख रुपये राशि इसमें भी वसूल की गई है। इसी प्रकार संपत्ति जलकर व नलकर के प्रकरणों में लगभग 20 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TMS TV, भोपाल।